हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी जो लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का जो एग्जाम्स होने वाला है, वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है कि ए पी इज़ फादर ऑफ क्यू, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। आर इज़ द सन ऑफ एस, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पी एंड क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू टी, ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले याद रखोगे दोस्तों, अगर मेल कैंडिडेट हो ना तो उसके लिए हम लोग प्लस इंडिकेट करेंगे और फीमेल के लिए माइनस इंडिकेट करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चंस को। पहला पॉइंट दिया हुआ है पी इज़ फादर ऑफ क्यू। तो ये देखोगे पी जो है वो फादर है किसका, क्यू का। तो क्यू दोस्तों कहाँ होगा, नीचे होगा, है ना। आगे देखते हैं, आर इज़ द सन ऑफ एस। तो आर जो है वो सन किसका है, आर जो है वो सन है किसका, एस का। तो एस ऊपर होगा। अब देखोगे यहाँ पे जेंडर एस का नहीं पता चल रहा है, क्योंकि आर बोला है सन है, यानी ये लड़का है, तो ये मैंने लिखा प्लस, ठीक है, मेल है, बट ये हमें एस नहीं पता चला, तो एस से छोड़ दिए हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पी। अब देखोगे टी इज़ द ब्रदर ऑफ पी, तो पी कहाँ है, यहाँ है, तो टी क्या है, इसका ब्रदर है, तो ये हो गया प्लस, टी इज़ द ब्रदर, एक ही लाइन में आएंगे ना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर। अब देखोगे क्यू जो है सिस्टर है किसका, आर का। तो आर कहाँ है भाई, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ आर, तो आर यहाँ है ना, तो देखोगे क्यू जो है आर का सिस्टर है। तो अब ये आपको क्यू यहाँ है ना, तो इसको अब ये लेकर आ सकते हैं इधर, तो ये हो गया सिस्टर, तो ये हो गया ब्रदर, और आर का ये कौन है, अभी तो पता तो नहीं चल रहा है, फादर्स भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकता है ना, तो इन दोनों का ये क्या है, अब फादर या फिर मदर दोनों में से कोई एक हो सकता है, बट यहाँ देखोगे क्यू का फादर कौन है, पी है, तो अब ये क्या होगा, ये इसका माँ ही होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी पिता है, तो ये क्या कौन होगा, ये माँ ही होगा, तो ये हो गया माइनस, ऑटोमेटिक आ गया। तो ये दोनों कौन हो गए दोस्तों, ये हस्बैंड वाइफ, एच डब्ल्यू हम लोग लिख लिए, ये क्लियर यहाँ तक। अब आपसे पूछ कह रहा है कि हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, तो एस जो है वो रिलेटेड कैसे होगा टी से, ठीक है। तो दोस्तों ये देखोगे, अब ये तो एक ही लाइन में है तीनों, है ना, तो यहाँ देखोगे अब ये जो एस है वो पी का क्या है, वाइफ है, और ये जो टी जो है पी का कौन है, ब्रदर है, तो एस क्या कहलाएगा, ये सिस्टर इन लॉ ही कहलाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों सिस्टर इन लॉ, जो कि ऑप्शन नंबर है सी, क्लियर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, यहाँ दिया हुआ है टू और ये जीरो है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन एंड देन थ्री, और ये आपको फाइंड करना है। तो दोस्तों जब भी अगर जीरो आ जाए ना, तो ये प्रॉब्लम होता है करने में, याद रखोगे आप। तो करना कैसे, अब ये ट्रिक से देखोगे कैसे हम लोग निकालेंगे। तो देखोगे अब ये टू है, टू से अभी ये जीरो आया, तो कैसे आ सकता है भाई। तो देखोगे टू का अगर हम सपोज़ टू माइनस टू ही कर दें तो भी तो जीरो आएगा, बट यहाँ थ्री है, थ्री माइनस थ्री करोगे तो क्या जीरो है, ऑप्शंस में ही जीरो नहीं है, ये तो प्रोसेस फेल हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंडीशन में टू का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और टू का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, फोर, और फोर माइनस फोर करते हैं तो जीरो। देखो कैसे आंसर को लेकर आएंगे, अब यहाँ टू है फिर जीरो लाना है, तो टू का फिर क्यूब करते हैं, टू का क्यूब एट, एट माइनस एट करते हैं तो ये भी जीरो आया, ठीक है। अगर टू का पावर फोर ले, यहाँ ले लेता हूँ टू का पावर फोर, तो टू का पावर फोर होगा सिक्सटीन, माइनस सिक्सटीन करोगे तो जीरो। ये तीनों कंडीशन से, ये चारों कंडीशन से हमारा जीरो आया, और भी कंडीशन से जीरो आएंगे, बट हम लोग यहीं से आंसर को निकालेंगे, ठीक है। तो अब देखोगे यहाँ थ्री है, तो पहला कंडीशन फेल हो चुका हुआ है, दूसरा कंडीशन जाते हैं, स्क्वायर माइनस फोर, तो थ्री का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा, नाइन माइनस फोर फाइव होगा, बट ऑप्शंस में फाइव नहीं है, तो ये भी कंडीशन मेरा फेल। नेक्स्ट अप्लाई करेंगे, क्यूब वाला अप्लाई करेंगे, तो थ्री का क्यूब करोगे, तो थ्री का क्यूब ट्वेंटी सेवन एंड देन माइनस एट करना है ना, तो ट्वेंटी सेवन माइनस एट करोगे तो दोस्तों 19 आएगा, ठीक है।
अब देखेंगे 19 है, हाँ है 19, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब बोलोगे कि सर ये पावर फोर भी चेक कर लेते हैं, तो पावर फोर चेक करोगे तो 3 का पावर फोर हो जाएगा दोस्तों 81, और माइनस कितना करना है 60 नहीं करोगे तो 81 से 60 माइनस करोगे तो यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, है ना, तो पता चला। तो ऐसे कंडीशन जब भी जीरो आ जाए तो आप याद रखना दोस्तों, पावर करके पावर आपको लेना है यानी क्यूब करो, स्क्वायर करो, पावर फोर लो, पावर फाइव लो, उसके बाद माइनस करो, माइनस करके देखो जब तक जो आंसर मिल नहीं रहा है, जो मिलेगा आंसर वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बोले नहीं, ऐसे क्वेश्चन जितने भी आएंगे मैं प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस, ताकि एक क्वेश्चन भी आपसे छूटेगा नहीं, चाहे जैसे जितना भी क्वेश्चंस टफ क्वेश्चंस हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं, यहाँ दिया हुआ है 25, 20, 56 एंड देन ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखोगे अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ अगर हम 25 तो एक स्क्वायर नंबर है, ठीक है, इसको अगर लिखेंगे 5 × 5 भी करोगे तो ये है 5 × 4, ठीक है, चेक करते हैं हम लोग। तो अब ये देखोगे, अब ये स्क्वायर नंबर था मीन सेम, तो ये तो सेम है नहीं क्योंकि ये स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो ये प्रोसेस फेल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो क्या यूज़ किया है, तो 25, तो दोस्तों ध्यान से देखोगे 25 यानी 25 को आप अगर डिजिट को ही आप मल्टीप्लाई कर दो 2 × 5 ये हो गया 10, लाना कितना है 20, इस 10 को 2 से इंटू कर दो तो 20 आएगा, आएगा ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 56, तो 56 को भी सेम प्रोसेस से 5 × 6 करेंगे तो ये हो गया आपका 30, और इंटू फिर क्या किए हम लोग 2 किए हैं ना, तो 2 करते हैं तो कितना होगा 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 60। देखो ऑप्शंस में कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखोगे 99 का लिखा हुआ है 9, तो 999 का ये क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले यहाँ देखोगे ये 99 है, कितना लाना है भाई 9, तो कैसे आएगा, अगर हम इसको डिवाइड भी करेंगे तो भी ये 9 आने वाला है नहीं, प्लस माइनस करते हैं तो भी ये नहीं आएगा, है ना। तो इस कंडीशन में अब देखो करना क्या है, ये 99, तो अगर ये दोनों डिजिट को आपस में प्लस कर देते हैं तो ये कितना होगा 18 होगा, होगा ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब हमें लाना है 9, तो 18 को कितने से डिवाइड करेंगे जो 9 आ जाए, तो 2 से, ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 9 आ गया। बट ये दोस्तों ये 2 आया कहाँ से, तो अब ये देखोगे ये 2 कहाँ से आया, तो ये कितना 9 है, 2 9 है ना, 1 2, तो ये 2, ठीक है। तो आपका क्वेश्चंस यहाँ है 999, तो इन तीनों 9 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, कितना हो गया 27 होगा, ठीक है। अब डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ 2 9 था तो 2 से डिवाइड किए, यहाँ 3 9 है ना तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 9 3 27, तो आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ है 2 3 23, ये क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि 2 से 3 आया कैसे, जिस प्रोसेस से आएगा उसी प्रोसेस से हम लोग 23 के आगे हम लोग निकालेंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ देखोगे ये 2 और 3 अगर हम प्लस 1 करते हैं, ठीक है, प्लस 1 आप सोच सकते हो माइंड में 2 मिनट के लिए कि प्लस 1 होगा, तो अब यहाँ पे 23 में प्लस 1 अगर करेंगे तो 24, बट ऑप्शंस में 24 नहीं है, है ना। अगर इसका स्क्वायर करके अगर माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3, ठीक है, तो 23 का तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ तो ऐसा है ही नहीं नंबर, है ना। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, तो दोस्तों ये देखोगे ध्यान से, ये प्राइम नंबर है, दोनों प्राइम नंबर हैं 2 एंड देन 3, है ना, तब बोलोगे हाँ है। तो बट ये देखो पहला प्राइम नंबर एंड द नेक्स्ट प्राइम नंबर यानी कंजिक्यूटिव है, एक के बाद एक प्राइम नंबर, ठीक है, 2 एंड देन 3, तो ये भी 23 भी क्या दिख रहा है दोस्तों, प्राइम नंबर ही है, तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 24 होगा नहीं, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 नेक्स्ट प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 29, देखोगे ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ दिया हुआ है ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सेम मेल होगा तो प्लस लेंगे, फीमेल होगा तो माइनस लेंगे। अब स्टार्ट करेंगे इसको, ए इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए दोस्तों ब्रदर यानी प्लस ना, किसका, सी का, सी का नहीं पता तो छोड़ दिया ऐसे। आगे देखते हैं, डी इज वाइफ ऑफ एम, डी वाइफ है किसका, एम का। हु इज ओनली सन ऑफ एम, अब ये हु है ना तो ये इसका बात बोल रहा है, याद रखोगे आप। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि हु इसको आप ले लेते हो तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखोगे। अब देखोगे इसके साथ तो कोई रिलेशन नहीं है तो इसको हम अलग से बनाते हैं इधर साइड में। डी इज वाइफ ऑफ एम, तो डी जो है वाइफ है किसका, एम का। तो अगर ये वाइफ है तो ये कौन होगा, ये हस्बैंड होगा, ये एच डब्ल्यू लिख देते हैं ताकि आपको पता रहे, ठीक है। अब ब्रदर सिस्टर में हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, हु इज ओनली सन ऑफ एन ना, तो एम ना, तो एम जो है ये ओनली सन है किसका, एन का, तो एन ऊपर, तो एन तो अब दोस्तों देखोगे अब यहाँ पे ये एन का भी हमें जेंडर नहीं पता तो छोड़ देंगे ऐसे। सी इज डॉटर ऑफ डी, अब देखोगे सी जो है वो डॉटर है किसका, डी का, तो ये हो गया आपका डॉटर किसका भाई, डी का, तो डी कहाँ है, यहाँ है, तो अब ये डी क्या होगा, अब तो ऊपर जाएगा ना क्योंकि सी क्या है, डॉटर है, तो डी ऊपर, यहाँ रख लिए डी, ये माइनस है जैसे ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। ये हो गया एम, ये हो गया प्लस, यानी ये वाइफ है तो ये हस्बैंड है, ठीक है, यानी सी का ये मॉम है तो ये कौन है, फादर है, क्लियर। अब आगे देखते हैं, अब ये एम का ये कौन है, एम का भाई ये एन, अब ये फादर भी हो सकता है मदर भी हो सकता है, क्लियर। अब ये कंप्लीट, अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ एन इज रिलेटेड टू ए, एन क्या कहलाएगा भाई ए का, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखोगे ए सी ब्रदर सिस्टर, इसके ये अगर डी को देखें तो मॉम है और ये फादर है, तो ए का दोस्तों ये कौन है, फादर है, और फादर का ये कौन है फिर, ये तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे जेंडर नहीं पता, मदर भी हो सकता है फादर भी हो सकता है ना, तो एम का, तो बट ए का, तो ए का कौन होगा, ये ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि यहाँ जेंडर नहीं पता, तो इस कंडीशन में एन क्या कहलाएगा, ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर, ठीक है। तो ऑप्शंस में देखोगे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर कहाँ है, तो ग्रैंडफादर है और फादर से दिया हुआ ये नहीं होगा, अब यहाँ देखोगे ये अंकल भी नहीं होगा, अब यहाँ देखोगे ग्रैंडफादर ओनली ग्रैंडफादर है, तो ये ग्रैंडफादर भी ऑप्शंस नहीं होगा क्योंकि आपको अगर ये जेंडर प्लस होता तब ये आंसर करेक्ट होता, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें पता नहीं है जेंडर, इसलिए आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हो कि एन क्या कहलाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर यही कंडीशन में अगर रहता कहीं कि आइदर ग्रैंडफादर व ग्रैंडमदर इसके प्लेस में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड के प्लेस में अगर वो रहता तो वहाँ हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो दोस्तों आज मैंने रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए, जो अभी लखीमपुर मेडिकल कॉलेज का जो एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।